यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने से पहले इस वजह से मशहूर थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, निकालते थे भालू की आवाज। जी हाँ, 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक हास्य अभिनेता थे जिन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में अभिनय किया था। हालांकि उन्हें 2006 में यूक्रेन के डांसिंग विद स्टार्स के संस्करण और यूक्रेनी टेलीविजन सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए जाना जाता है। ज़ेलेंस्की के करियर का एक अल्पज्ञात पहलू अब ऑनलाइन सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार नए विवरण से पता चला है कि ज़ेलेंस्की ने बच्चों की फिल्म के यूक्रेनी डब संस्करण में पैडिंगटन बियर को आवाज दी थी। स्टूडियो कैनल के एक प्रवक्ता जिसने पैडिंगटन का निर्माण किया, उन्होंने पुष्टि की कि ज़ेलेंस्की ने पैडिंगटन और पैडिंगटन 2 यानी कि 2017 में जो बनी थी उसमें प्रिय एनिमेटेड कैरेक्टर को आवाज़ दी थी। पैडिंगटन फिल्म फ्रेंचाइजी में भालू के बालक पिता की भूमिका निभाने वाले ब्रिटिश अभिनेता होक बॉनविले ये जानकर हैरान रह गए थे। होक बॉनविले ने पैडिंगटन 2 के यूक्रेनी डब किए गए प्रचार वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, आज तक मुझे पता ही नहीं था कि यूक्रेन में पैडिंगटन बियर की आवाज़ किसने दी थी। ज़ेलेंस्की जो उस समय एक अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। प्रचार वीडियो में ज़ेलेंस्की को दिखाया गया है जो वर्तमान में रूस के खिलाफ अपने बचाव में यूक्रेनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। वैरायटी द्वारा प्रदान किए गए अनुवाद के अनुसार वो कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार, मैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अद्भुत करिश्माई मैत्रीपूर्ण भालू पैडिंगटन को अपनी आवाज़ दूंगा। राष्ट्रपति बनने से पहले ज़ेलेंस्की यूक्रेन में सर्वेंट ऑफ द पीपल में उनकी भूमिका के लिए बेहतर रूप से जाने जाते थे। शो एक शिक्षक का अनुसरण करता है जो अनजाने में राष्ट्रपति बन जाता है। ज़ेलेंस्की का खुद का कार्यालय चलाने का प्रयास इसी भूमिका से प्रेरित था।